हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न। वेलकम टू द थर्ड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी महाराष्ट्र बोर्ड फिजियोग्राफिक एंड ड्रेनेज। ये चैप्टर में हम पार्ट टू करने वाले हैं। हमने पार्ट वन में हमने फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ा था, फिजियोग्राफिक ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील का। तो फिजियोग्राफिक ऑफ इंडिया में हमने क्या देखा था, उसका क्या डिफरेंस था, उसमें हम लोग देखे थे हिमालयस के बारे में, फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स था, थर्ड पॉइंट था कोस्टल प्लेन्स, फोर्थ द आइसलैंड ग्रुप। तो हम लोग ने इंडिया के फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ा। ब्राज़ील में हम लोग देखे थे पार्ट वन में, वो भी हमने किया था पार्ट वन में कवर। उसमें दिया गया था द हाईलैंड ब्राज़ील के अंदर था, द ग्रेट एस्कार्पमेंट, द कोस्ट, द प्लेन्स, आइसलैंड, तो ये सब फिजियोग्राफी का था। ठीक है, अभी हम आने वाले हैं ड्रेनेज। ठीक है, हम पढ़ने वाले ड्रेनेज के बारे में। ठीक है, ड्रेनेज ऑफ ब्राज़ील, ये स्टार्ट करते हैं पार्ट टू का, फिजियोग्राफिक एंड ड्रेनेज। फिजियोग्राफिक हो चुका है, हम ड्रेनेज कहेंगे। ड्रेनेज ऑफ ब्राज़ील, ड्रेनेज ऑफ ब्राज़ील एज फार एज द ड्रेनेज इन ब्राज़ील इज कंसर्न, देर आर थ्री मेजर रिवर बेसिन। देखो, ब्राज़ील में थ्री मेजर रिवर है बेसिन का। ठीक है, अमेजॉन बेसिन है, पैरागो पैराना सिस्टम इन द साउथ वेस्ट, साउथ फ्रांसिको इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हाईलैंड एंड ओवर रिवर रिवर्स एट द कोस्ट। तो हम लोग आप बात करते हैं अमेजॉन बेसिन के बारे में। अमेजॉन जो रिवर बेसिन का जो मेन, ठीक है, रिवर बेसिन का मतलब होता है जो रिवर, जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं, जो छोटे छोटे रिवर्स बनते हैं, जो छोटे छोटे रिवर बने हैं, उसको हम बोलते हैं रिवर सिस्टम, रिवर बेसिन। तो बोलते हैं अमेजॉन रिवर। ओके, जो ट्रिब्यूट से मतलब बनता है, छोटे छोटे और भी रिवर कनेक्ट होते हैं उनसे, ओके, उसको कहते हैं अमेजॉन रिवर बेसिन। जो रिवर्स होते हैं, जो रिवर के ट्रिब्यूटरीज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं, उन सिस्टम बनाते, तो छोटे छोटे रिवर्स जो आते हैं साथ में कनेक्ट होते हैं, उसको कहते हैं अमेजॉन रिवर बेसिन। अरे स्टार्ट करते हैं। अमेजॉन बेसिन कलेक्ट्स इट्स हेड वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडेस माउंटेन इन पेरू। ठीक है, देखो ये अमेजॉन बेसिन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ एक पेरू रीजन है, देखो इस तरफ ये गन ले गया है फिजियोग्राफी का। देखो ये पूरा पेरू है, तो यहाँ एंडेस माउंटेन है। ठीक है, यहाँ का जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, यहाँ से अमेजॉन रिवर स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हेड वाटर। ये हेड वाटर ऑफ द रिवर क्या है, ईस्टर्न स्लोप के एंडेस माउंटेन के। ठीक है, ये सबसे बड़ा रिवर है, बहुत लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। ओके, अमेजॉन रिवर रिसीव ह्यूज डिस्चार्ज, मतलब सैंड बहुत सारे अलग अलग डिस्चार्ज करते हैं। दिस इज़ अबाउट 2 लाख क्यूबिक मीटर्स, सो क्यूबिक मीटर्स बोलते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट अमेजॉन वॉज ऑफ द लोड सप्लाई टू इट फॉर्म द कैचमेंट। देखो ये कैचमेंट एरिया है, ठीक है, ये कैचमेंट एरिया है, सैड सेंडिमेंट्स रॉक्स सब कैरी करता है, तो उसमें बहुत सारा वाटर होता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली सेडिमेंट आर नॉट डिपॉजिट इवन एट द माउथ, अ डेंस नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, जो रिवर का जो माउथ होता है, जो बड़े बड़े रिवर्स के माउथ होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे देखे हैं सेकेंड पहले पार्ट में गंगा रिवर का। ठीक है, तो गंगा रिवर जो रिवर सिस्टम है, वो जो रिवर है, ठीक है, जो गंगा रिवर है, तो रिवर के माउथ के पास पहुंच जाता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल के पास पहुंच जाता है माउथ के पास, तो वहाँ एक डेल्टा बनाता है। ठीक है, वो डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, जब भी रिवर मिलता है सी के पास, जो सैंड सेडिमेंट्स डिपॉजिट होता है, ठीक है, माउथ ऑफ द रिवर में जाता है, मतलब जैसे कि समुंदर में जाता है, सी में जाता है, पत्थर टूटे हुए, तो वो सब जाके इकट्ठा होता है। ठीक है, तो वो जाके इकट्ठा होके मिल जाता है, तो वो उससे आइलैंड बनता है। ठीक है, अ डेंस नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, यहाँ ट्रिब्यूटरीज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज का मीनिंग होता है जो मेन रिवर होता है उसमें रिवर ऐड होता है, और डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है जो मेन रिवर है वहाँ से वो माइनस होता है, वहाँ से और अलग छोटी छोटी रिवर बनती है। जो बड़े बड़े रिवर्स होते हैं, जो सी को जब मीट करते हैं, ओशंस को जब मीट करते हैं, लोग जाते मिल जाते हैं, तो एंड में जाके रिवर का जो होता है फ्लो स्लो जाता है। रिवर के स्लो होने की वजह से तो और भी छोटे छोटे और रिवर बनते हैं। ठीक है, अगर हम देखे जाएँ अमेजॉन में, तो ये ऐसा नहीं होता अमेजॉन में। ठीक है, डेल्टा भी नहीं है, और फीचर्स इन जो भी होता है डिस्ट
तो हम वो फीचर्स नहीं फाइंड करते, हम वो फीचर्स नहीं फाइंड करते डेल्टा मतलब अमेजोन में ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट इन हम लोग उसमें फाइंड ही नहीं कर पाते अमेजोन में ठीक है। विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रिवर माउथ एरियाज इज बाय एंड लार्ज एबसेंट इन द माउथ ऑफ रीजन ऑफ अमेजोन ठीक है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है अमेजोन में नहीं है। इंस्टेड वी फाइंड अ सीरीज ऑफ आइलैंड डेवलप्ड अलॉन्ग द माउथ ऑफ अमेजोन बियॉन्ड ठीक है, द कॉस्ट लाइन इन टू द एटलांटिक ओशंस। सो देखो इधर आइलैंड है अमेजोन ठीक है, मेरा जो आइलैंड है ये माउथ ऑफ अमेजोन है ठीक है, ये रिवर का माउथ है अमेजोन का जो एटलांटिक ओशन को मीट होता है ठीक है ओके। इंस्टेड वी फाइंड अ सीरीज ऑफ आइसलैंड डेवलप्ड इट अलॉन्ग द माउथ अमेजोन बियॉन्ड द कोस्ट लाइन इन टू द एटलांटिक ओशंस ठीक है, ये हमने देखा था अभी देखो इस तरफ का ठीक है ओशंस में था। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एट द माउथ द विड्थ ऑफ अमेजोन चैनल इज 150 किलोमीटर ठीक है, एट द माउथ ठीक है जो रिवर सी को मीट करता है ठीक है, जो विड्थ है रिवर का विड्थ ठीक है विड्थ 150 इट इज़ अबाउट द 150 किलोमीटर का मतलब उनका किलोमीटर का, अब जैसे कि जो डिस्टेंस है मुंबई और पुणे का जो डिस्टेंस है ठीक है, यहाँ से यहाँ नासिक तक का डिस्टेंस है जो 150 किलोमीटर का, तो आप इमेजिन करो कितना डिस्टेंस रहेगा कितना हाइट रहेगा रिवर का कितना रहेगा हाइट ओके ठीक है। जैसे भी आपको कहीं देखना तो आप देख सकते हो मैप में ठीक है, 150 किलोमीटर का आपको मिल भी जाएगा गूगल से इंफॉर्मेशन, इतना डिस्टेंस होता है अमेजोन के माउथ के यहाँ से जो भी है साइज है उनका ठीक है। मोस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ द अमेजोन रिवर इज सुटेबल फॉर द नेविगेशन ओके, हमने ये नहीं देखा। टेक इन टू द कंसिडरेशन अ प्लेस विच इज 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ द वेट, जैसे यहाँ से नासिक तक या पुणे तक का आप ले लोगे तो इतना उनका साइज है, यहाँ से लेके ये है जो साइज देख रहे हो माउथ का, यहाँ से यहाँ तक का ये साइज है इतना लंबा ओके। मोस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ द अमेजोन रिवर इज सुटेबल फॉर द नेविगेशन, जो जहाँ से रिवर फ्लो करता है ठीक है वहाँ पर हम नेविगेशन कर सकते हैं। नेविगेशन कैसे करेंगे ठीक है, बोट से नेविगेशन कर सकते हैं ठीक है, वहाँ जाएंगे हम बोट से घूमने जाएंगे तो कर सकते हैं ठीक। तो अमेजोन बेसिन को अगर आपको विजिट करना है देखना है तो आप वहाँ शिप या ट्रैवलिंग करना है, शिप से नेविगेशन करना है तो आप शिप या तो जो नाव होते हैं वो लेके जा सकते हैं, वही सोर्स से हम देख सकते हैं कि 150 किलोमीटर का है कि नहीं ठीक है। हम देखो ये देख रहे हैं अमेजोन बेसिन रिवर है ठीक है, ये इसको अलग अलग छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज है डिस्ट्रीब्यूटरीज है ठीक है, ये अमेजोन बेसिन के यहाँ से पेरू से स्टार्ट होता है और अटलांटिक ओशन में होता है नॉर्थ अटलांटिक ठीक है, ये ब्राज़ील के ब्राज़ील कंट्री के इक्वेटर साइड में ठीक है, छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज है देखो यहाँ से कनेक्ट होकर जा रहे हैं छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज है ठीक है, यहाँ से अदर कंट्रीज में भी गया है, यहाँ अदर कंट्रीज में गया है ओके, देखो अदर कंट्रीज में भी गया है देख रहे हो कोलंबिया पेरू ठीक है या सो देखो अमेजोन बेसिन है ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है इधर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ठीक है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैंसर पास होता है यहाँ से, यहाँ रेनी सीजन बहुत होता है रेनफॉल होता है 12 मंथ रेनफॉल होता ठीक है, यहाँ रेनफॉल बहुत होता है जिसे यहाँ भी डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ का बहुत एवरग्रीन फॉरेस्ट है ठीक है, सबसे बड़ा फॉरेस्ट है वर्ल्ड का ठीक है, इसको ऑक्सीजन भी बोलते हैं ओके, यहाँ से ऑक्सीजन बहुत पास होता है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट सो नेक्स्ट है पैराग पैराना सिस्टम, दिस टू रिवर्स आर लोकेटेड इन द साउथर्न वेस्ट पार्ट ऑफ ब्राज़ील देखो ठीक है, साउथ वेस्ट है सदर्न वेस्ट मतलब साउथ वेस्ट के ब्राज़ील में, बोथ द रिवर फ्रॉम द कैचमेंट ऑफ रिवर प्लेटा इन अर्जेंटीना ठीक है, पैरागो रिवर है पैराना रिवर दोनों जाकर ठीक है अर्जेंटीना में मीट करते हैं ठीक है, यहाँ भी एक कंटिन्यूस रिवर है प्लेटा रिवर करके एक और है ठीक है, और ये जो रिवर है पैराना और पैरागो ठीक है ये दोनों एक्ट करते हैं एज अ मतलब कैचमेंट एरिया ठीक है ऑफ द प्लेटा एरिया, कैचमेंट एरिया मतलब कि जहाँ से रिवर को पानी मिलता है कैचमेंट मतलब जहाँ से रिवर को पानी मिलता है
ठीक है, अर्जेंटीना में रिवर है ये, ठीक है, प्लेटा रिवर करके। दिस टू रिवर्स एंड रिवर उरुग्वे इज एक्सट्रीम साउथ ऑफ द हाईलैंड कलेक्ट देयर हेड वाटर फ्रॉम द सदर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड। ठीक है, उरुग्वे रिवर, ठीक है, ये तीनों रिवर जो हाईलैंड से कलेक्ट होता है, ठीक है, ये ब्राजीलियन हाईलैंड है, देखो ये हाईलैंड है, यहाँ माउंटेन्स है, यहाँ भी जितने भी वाटरफॉल्स है, यहाँ से जितने भी वाटरफॉल है वहाँ से अर्जेंटीना के फ्लो होता है, ठीक है, अदर कंट्री में एंटर करता है, पैरागो पैराना सिस्टम। देन उसके बाद नेक्स्ट है सैन फ्रांसिस्को, इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट रिवर द ब्राज़ील। सो सैन फ्रांसिस्को रिवर जो ऐसे ही रिवर, एक इकलौता रिवर है जो खाली रिवर में ब्राज़ील में ही होता है, फ्लो होता है, कहीं और कंट्री में नहीं आता है, देख रहे हो इस तरफ देखो, ठीक है, जहाँ हाईलैंड है ब्राज़ीलियन का, नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है, इस तरफ देखो, इसका एरो देखो किस तरफ है, ठीक है, इट इज़ अ थर्ड इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ ब्राज़ील, द एंटायर बेसिन ऑफ दिस रिवर इज विद इन ब्राज़ील। पूरे ब्राज़ील में मतलब इकलौता रिवर है, और कंट्री में कोई नहीं गया। इट ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड, ठीक है, ये ईस्टर्न पोजिशन है इसका, ओके। द रिवर फ्लोज टूवर्ड द नॉर्थ फॉर अ डिस्टेंस अबाउट 1000 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्थ की तरफ डिस्टेंस तय करता है, ठीक है, ठीक है, ये बहुत बड़ा रिवर है, ठीक है। इसके बाद दिया है ओवर द प्लेटू एंड देन टेक्स अ शार्प ईस्टवर्ड टर्न्स टू एंटर द कोस्टल स्ट्रिप अलॉन्ग द एटलांटिक ओशन। द रिवर इज नेविगेटेबल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 250 किलोमीटर इन इट्स डाउन स्ट्रीम रिचेज। सो देखो ये शार्प ईस्टर्न टर्न ले रहा है, ठीक है, ये एटलांटिक ओशन पे कोस्टल स्ट्रिप है, एंटर कर रहा है इधर, इस तरफ रिवर इस तरफ फ्लो रहा था, इधर आके एंटर कर रहा है, ठीक है। तो ये रिवर बहुत बड़ा रिवर है, 1000 किलोमीटर, और इसका नेविगेशन है 250 किलोमीटर, बोट से जा सकते हैं, 250 किलोमीटर काफ़ी होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम कोस्टल रिवर है, ठीक है, यहाँ कोस्टल रिवर, ठीक है, इटापेक्यूर है, इटा फर्नाबिया रिवर, ठीक है, एटलांटिक और नॉर्थ एटलांटिक ओशन में मिल रहा है जाके, ठीक है, इस तरफ देखो साउथ अटलांटिक में मिल रहा है, कोस्टल रिवर इसको बोलते हैं, छोटे छोटे रिवर। ब्राज़ील हैव अ नंबर ऑफ शॉर्ट कोस्टल रिवर, मतलब जो छोटे छोटे रिवर्स होते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे देख रहे हो स्मॉल रिवर्स है नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक में, ओके। ब्राज़ील हैव अ नंबर ऑफ शॉर्ट कोस्टल रिवर, द कोस्टल एरिया बीन डेंसली पॉपुलेट दैट रिवर ऑफ अटेंड सिग्निफिकेंस। तो ये सब कोस्टल रिवर है, ठीक है, इसके छोटे छोटे कोस्टल एरिया है, ठीक है, छोटे छोटे, और यहाँ पॉपुलेट है मतलब वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ लोग वहाँ रहते हैं, पॉपुलेट एरिया है, कोस्टल एरिया है तो वहाँ लोग रहते हैं, ठीक है, ये रिवर इंपॉर्टेंट है, वहाँ जो लोग रहते हैं। रिवर पैरानिबा एंड रिवर इतापेकुरु फ्लोइंग नॉर्थ वर्ड मीट द नॉर्थ एटलांटिक ओशन, जैसे मैं देखो बताया था मैंने अभी, ठीक है, इटापेकुरु पैरानिबा ये नॉर्थ एटलांटिक की तरफ आ रहा है, ठीक है। द रिवर्स दैट एंटर साउथ एटलांटिक ओशन कलेक्ट देयर हेड वाटर्स अलॉन्ग देयर एस्कार्पमेंट। रिवर इस तरफ देखो साउथ एटलांटिक ओशन में एंटर करते हैं इस तरफ, ये वाला, ठीक है, रिवर पुरुआगे को एंटर्स एटलांटिक ओशन नियर सेल्वाडोर टाउन। ये सब इंपॉर्टेंट रिवर्स है ब्राज़ील के, ठीक है, थ्री मेन रीजन है, थ्री रिवर्स है ड्रेनेज के, अमेजोन बेसिन, पैराना, पैराग्रो और सैन फ्रांसिस्को, साउथ फ्रांसिस्को, ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट रिवर है इसके बारे में के, इसको भी आपको प्रॉपरली रीड करना है। और अमेजोन सबसे बड़ा रिवर है, इसके ट्रिब्यूटरीज भी बहुत है, ठीक है। इसके बाद नॉर्थ है और साउथ अटलांटिक, इसके भी छोटे कोस्टल रिवर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन के बारे में करेंगे, इंडियन ड्रेनेज ऑफ इंडिया, कि हम यहाँ बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। रिवर्स इन इंडिया आर लार्जली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स रीजन इनटू हिमालय एंड पेनिनसुला रिवर, ठीक है। तो यहाँ भी बहुत सारा ओरिजिनेट होता है, यहाँ से बन के निकलता है, हिमालय से, ठीक है, इंडिया में फाउंड होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है,
ठीक है, ये क्लासिफाइड करता है अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ रीजन, ओरिजिन मतलब यहाँ के ओरिजिनिटी की, मतलब यहाँ से निकलता है, हिमालय से निकलता है, रिवर्स हैं, हिमालयंस रिवर बोलते हैं, ठीक है, गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, उसमें इंडस रिवर है, सिंधुज रिवर है, ठीक है, दिस ये सब हिमालयज रिवर है, ठीक है, जैसे लाइक गोदावरी, कावेरी, तापी, ये सब क्या है, ओरिजिनेट होता है पेनिनसुला रीजन में, यहाँ से ओरिजिनेट होता है कि वो इस तरफ होने का, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की तरफ, ठीक है, दो टाइप, हिमालयन रिवर है और पेनिनसुला रिवर है। हिमालयन ड्रेनेज, ठीक है, यहाँ थ्रू आउट द ईयर वाटर होता है, पूरे साल वाटर होता है, पूरे साल हिमालय में, ठीक है, इस हिमालय में वहाँ पानी थ्रू आउट द ईयर रहता है, पूरे साल पानी रहता है, ठीक है, तो हिमालयन वहाँ का रिवर था। और पेनिनसुला रिवर में सीजनल रिवर होता है, जैसे वहाँ बारिश होती है, बारिश की वजह से ही पानी होता है, बारिश की वजह से ज़्यादा पानी होता है, तो ये सीजनल रिवर है, ठीक है। जो इस ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं इंडिया का, ठीक है, आप मैप देख लो इंडिया का, मेन रिवर एंड लेक्स है, ठीक है, देखो यहाँ देख लो लेक मानसरोवर, ठीक है, तिब्बत चाइना में पड़ता है, लेक मानसरोवर, ठीक है, एक मानसरोवर के यहाँ से एक लेक रिवर स्टार्ट होता है और दूसरी तरफ से एक रिवर स्टार्ट होता है, जो इस तरफ से जो, ठीक है, यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो ब्रह्मपुत्र होके आता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, देख लो, ठीक है, और इस तरफ इंडस रिवर, देखो यहाँ से इंडस रिवर पास होता है थ्रू पाकिस्तान होके, सिंधु रिवर बोलते हैं इंडियन वाले, ये भी पाकिस्तान में फिलहाल। और इस तरफ है, यहाँ है यमुतरा, यमुनोत्री, गंगोत्री है, गोमती, गंगा, तो ये सब रिवर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है यमुनोत्री, यहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है, यहाँ भी ग्लेशियर होता है, यहाँ भी ग्लेशियर है, यहाँ से गंगा होता है, यहाँ से यमुनोत्री, यहाँ से अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है इंडिया के, छोटे छोटे, या और डिस्ट्रीब्यूटरीज भी है इंडस के, ट्रिब्यूटरीज मीन्स जो रिवर, जो मेन रिवर के अंदर ऐड करता है वाटर, ऐड करता है रिवर के अंदर, और ठीक है, ठीक है, यमुना रिवर और गंगा रिवर आके मीट होता है, ऐड करता है, ये ट्रिब्यूटरीज हो गया, दोनों को ऐड हो रहा है रिवर गंगा, और जो रिवर मेन रिवर से वाटर ले जाता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है, उसके वेरियस ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ठीक है, ये हिमालय, तो ये सब इंडिया के रिवर्स है, ठीक है, इसको आपको रिव्ट करना है, रिवर है और ये सोर्स है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, देखो ये दिया है सतलज, रब, रापी, जेहलम, चनेब, तो ये सब, ये देखो पंजाब के पांच रिवर है, ओके, तो ये रीड करना है आपको प्रॉपरली अच्छे से, ठीक है। पेनिनसुला रिवर भी देख लो इस तरफ है, ठीक है, इंडिया में बहुत ज़्यादा ध्यान देने का हमको, क्योंकि ब्राज़ील में तीन ही है, इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एग्ज़ाम में आपको मैप रीडिंग करने के लिए भी आएगा, तो आपको याद होना चाहिए कौन सा रिवर किधर होना चाहिए, ठीक है, पेनिनसुला रिवर है, कृष्णा देखो गोदावरी दिखाए, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर इन द हिमालयस ओरिजिनेट फ्रॉम द वेरियस ग्लेशियर्स, ठीक है, जैसे हमने देखा यमुना ग्लेशियर से यमुनोत्री चालू हुआ है, गंगोत्री से गंगा रिवर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इन समर व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इंक्रीजेज इन समर, देखो जो जो बर्फ़ के जो गोले होते हैं उनके, बर्फ़ के जो होते हैं आइस जो होते हैं, ग्लेशियर मीन्स आइस, जो मेल्ट होता है आइस, ठीक है, वहाँ से वाटर डिस्चार्ज होता है, माउंटेन से पानी बनते हुए निकलता है और रिवर में आके एड होता है, ठीक है। दे फ्लड ड्यूरिंग द ड्यूरिंग मानसून टू, ठीक है, फ्लड ड्यूरिंग मानसून टू, दे आर पेरेनियल रिवर्स, ठीक है, वो लोग पेरेनियल मतलब वो रिवर्स पेरेनियल है, ठीक है, फ्लड ड्यूरिंग द मानसून टू, तो मानसून में भी वो मोर एंड मोर वाटर होते हैं, वहाँ बारिश होती तो बढ़ जाता है पानी वहाँ का, ठीक है, फ्लड भी होते हैं, फ्लड भी आते हैं, वहाँ वाटर बढ़ जाता है, और तो एरिया में फ्लड्स भी आ जाते हैं कुछ कुछ एरियो में। पेरेनियल रिवर मतलब कि इसका मतलब कि मतलब वहाँ थ्रू आउट द ईयर होता है पेरेनियल वाटर, मतलब वहाँ 12 का 12 महीना पानी, कभी पानी की कमी नहीं होती है, ओके। द ड्रेनेज कवर्स टू मेजर रिवर सिस्टम सच एज हिंदूज रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर, ठीक है, हिंदूज
ठीक है, हिंदू, सिंधुस को हम हिंदू भी बोलते हैं, हिंदूज रिवर, हिंदूज रिवर बोलते हैं। तो हिंदूज एंड इट ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, झेलम, चनाब, रावी एंड सतलुज, ठीक है, रावी, ये सब, ये भी कौर है, बियस भी है, ठीक है। ड्रेन द वेस्टर्न हिमालय, दैट इज दे फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, दे फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर से फ्लो होते हैं और उसके बाद फ्लो होते होते पाकिस्तान में एंटर करते हैं। तो ये यहाँ इंडिया से, जम्मू कश्मीर से फ्लो होते होते सीधा इधर इस तरफ आते हैं पाकिस्तान के थ्रू, और ये फ्लो हो रहे पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी की तरफ जाते हैं, ठीक है। और ये पैरेलल है एक दूसरे के, पैरेलल रिवर है, देखो हिंदूज, जेलम, रवि, सतलुज, ठीक है, आपको दिखता रहेगा इस तरफ। तो ये टू मेजर रिवर है, तो ये इंदूज रिवर देखे, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इन दस, द सतलज ओरिजिनेट नियर मान सरोवर एंड फ्लोज वेस्ट वर्ड, पंजाब प्लेन्स हैव बीन फॉर्म द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द रिवर, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखे, तो वहाँ पंजाब प्लेन्स वहाँ फाउंड है, ठीक है। सतलज, सतलज रिवर्स के मतलब सैंड्स है वहाँ के रिवर में जो डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, हर साल डिपोजिशन होता है, ठीक है, वहाँ लैंड बन जाता है, प्लेन्स हो जाता है, पंजाब प्लेन बोलते हैं उसको, पंजाब प्लेन, ठीक है। पंजाब प्लेन्स है फॉर्म द डिपोजिशनल वर्क ऑफ दिस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, हिंदूज फ्लोज थ्रू पाकिस्तान एंड देन मीट्स द अरेबियन सी। तो कराची के पास इंडस रिवर है, हिंदूज रिवर है, ठीक है, वहाँ कराची के थ्रू पास होके अरेबियन सी में आगे मिलता है, इस तरफ देखो, ये मैं बोल रहा था यहाँ से आके अरेबियन सी कराची है इस तरफ, तो कराची है उनका पाकिस्तान का स्टेट है, कैपिटल है, सॉरी कैपिटल में से यहाँ से फ्लो के निकल जाता है अरेबियन सी, अरेबियन सी के थ्रू, ओके। द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर्स एंड क्रॉसेस द हिमालय, हिमालयस टू बिकम अ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, गंगा रिवर, गंगोत्री ये वाला, ठीक है, ओरिजिनेट करता है क्रॉस करके यहाँ, ठीक है, तो इस तरफ है, यहाँ से जा रहा डायरेक्ट ब्रह्मपुत्र यहाँ के बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश है और ये देखो इस तरफ वेस्ट बंगाल, और इनका और इसका कंटिन्यूस फ्लो है बैंक ऑफ बंगाल की तरफ, मीट करते हैं वो जाके वहाँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसके बाद मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा आर ऑल्सो फ्लो इन द सिमिलर मैनर, यमुना ओरिजिनेट एट यमुनोत्री इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, अनदर मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा फ्लो थ्रू द नॉर्थन पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालय क्रॉसेस द हिमालयस एंड टू एंटर इंडिया, व्हेन इट फ्लो थ्रू द हिमालयस इज इट इज कॉल्ड सैंगपो। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको सैंगपो, देखो ये मानसरोवर इस तरफ, ठीक है, तिब्बत से आता है, एंटर करते करते तिब्बत में जब रिवर फ्लो करता है उसको बोलते हैं सैंगपो, चाइना से होते वाला तिब्बत में नाम है, ठीक है। व्हेन इट इज़ क्रॉसिंग द हिमालय इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड दिहांगी, ठीक है, दिहांग एंड इट, उसके बाद उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र जब इंडिया में आता है, तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र के थ्री नेम्स है, ठीक है। सैंगपो देखो तिब्बत को जब एंटर होता है, अरुणाचल में एंटर होता है दिहांग रिवर, ठीक है, ठीक है, उसके और आगे आता है ब्रह्मपुत्र रिवर बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो गंगा मीट्स इट ट्रिब्यूटरीज हैंस इट डिस्चार्ज इंक्रीज, गंगा रिसीव ब्रह्मपुत्र एज इट ट्रिब्यूटरी इन इट लोअर रीचेस इन बांग्लादेश, ठीक है, ये जो गंगा रिवर है, ठीक है, ये देखो गंगा रिवर और दिस इज ब्रह्मपुत्र, ठीक है, यहाँ के मिल रहा है बांग्लादेश में, ठीक है, कंबाइंड फ्लो है इनका बैंक ऑफ बंगाल में, बांग्लादेश के, ये बांग्लादेश कंट्री है, ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज बन जाता है, ठीक है। उसके बाद यमुना रिवर भी आता है,
इस तरफ, ठीक है, इलाहाबाद में आके मिलता है उत्तर प्रदेश के। एंड बिकॉज ऑफ इट डिपॉजिटन, तो उसका मोर एंड मोर सैंड एंड सॉल्ट स्लिट्स वहाँ मिलते हैं, मतलब सैंड्स रॉक्स ये सब डिपॉजिट होते हैं वहाँ, वहाँ प्लेन्स बन जाते हैं, ठीक है। वहाँ बतों को दिखाया, द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ह्यूज डिपॉजिट एंड लेट टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज डेल्टा। बिसाइड दिस हिमालय रिवर, गंगा रिवर्स, अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम पेनिनसुला लाइक चंबल, केन, बेटवा, सन्स, दामोदर एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब, ये जो रिवर है, ठीक है, केन, सिंध, चंबल, ठीक है, गंगा रिवर में आके मीट होता है। ये पेनिनसुला रिवर है, ठीक है, सेंट्रल टाइप के इधर तो गंगा रिवर को मिलते हैं। ये भी एक पेनिनसुला रिवर है, ये भी ट्रिब्यूटरी की गंगा के, ट्रिब्यूटरी ऐड हो रहे हैं, ट्रिब्यूटरी से को छोटे छोटे रिवर है, ये दोनों तीनों चारों ये ऐड हो रहे गंगा में, ठीक है। देखो हुगली रिवर देख रहे हो, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा का, ठीक है, यहाँ से देखो लेके गंगा का वाटर इस तरफ आ रहा है इंडिया के, ठीक है। ये हम लोग ने यहाँ देखे थे, हमने हिमालय का देखा था, हम नेक्स्ट देखेंगे पेनिनसुला रिवर, ठीक है। पेनिनसुला की कुछ रिवर जो बे ऑफ बंगाल को मीट करते हैं, जैसे दामोदर, ठीक है, महानदी, कावेरी, गोदावरी, ठीक है, नर्मदा, तापी, ये सब पेनिनसुला, तो ये सब पेनिनसुला रिवर है। आइए स्टार्ट करते हैं पेनिनसुला रिवर। द पेनिनसुला रिवर सिस्टम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू द ईस्ट फ्लोइंग, ठीक है, ईस्टिंग फ्लोइंग मीटिंग द बे ऑफ बंगाल एंड द वेस्ट फ्लोइंग। तो पेनिनसुला के रिवर जो है कुछ है जो बे ऑफ बंगाल में होते हैं, जैसे मैंने बता रहा था अभी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, कावेरी, ठीक है, और वेस्ट फ्लोइंग मीटिंग अरेबियन सी, जैसे नर्मदा, तापी, ये सब जाते हैं अरेबियन सी के थ्रू, जाते हैं वहाँ चलता है। ये वेस्ट वर्ड फ्लोइंग है और ये एक ईस्ट वर्ड फ्लोइंग है, ठीक है। जैसे जो बे ऑफ बंगाल की तरफ रिवर जो जाता है वो ईस्ट वर्ड रहता है, और जो फ्लो होता है अरेबियन सी की साइड, वो जो अरेबियन सी की, तो वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ओके। द वेस्टर्न घाट फ्रॉम अ मेजर वाटर डिवाइडेड इनटू द इन द पेनिनसुला, ठीक है, वाटर डिवाइड है। जो वेस्टर्न घाट के एक तरफ जो रिवर जाते हैं, दूसरी तरफ कुछ रिवर जाते हैं, तो ये वाटर डिवीजन है, इसको एक्ट करते वाटर को डिवाइड करता है वो, ओके। द पेनिनसुला रिवर बीन रेन फेड रिवर मीन्स, रेन फेड मतलब, देखिए ये रिवर, क्योंकि ये इनको वाटर कैसे मिलता है, रेन की वजह से, जब रेनी सीजन में रेनी होगा वहाँ बारिश आएगी तभी ये वाटर उनको मिलेगा, इसलिए बोलते हैं इनको रेन फेड रिवर। सेल्डम फेस एंड द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड, दे आर अ सीजनल इन नेचर। सो जब भी रेनफॉल होता है तभी ये रिवर में फ्लड आता है, ठीक है, जैसे नॉन मानसून सीजन होता है तो इतना वहाँ वाटर होता ही नहीं है, ये सीजनल रिवर है, सीजन में ही आता है, अगर बारिश हो तो फ्लड आ जाता है, ओके। द फर्दर देखते हैं, द वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर ऑक्यूपाई द एरिया बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन कोस्ट लाइन, आर शॉर्ट इन लेंथ बट स्वीप। दिस कंटिन्यू कंडीशन ऑफ शॉर्ट स्वीप रिवर सिस्टम एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, साउथर्न गुजरात, ठीक है, सदर्न गुजरात। ये जो रिवर है वेस्टर्न क्लोज का, वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न घाट में, देखो इस तरफ छोटे छोटे रिवर है, ठीक है, ठीक है, वहाँ सावित्री रिवर है, जोरी रिवर है, ठीक है, रिवर पढ़ने का आपको, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की साइड है, ठीक है। यहाँ फाउंड कहाँ होता है, स्वीप रिवर मतलब छोटे छोटे रिवर, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सदर्न गुजरात, ठीक है। द कोस्टल रिवर ऑफ केरला हैव लॉन्ग एक्सटेंडेड बैक वाटर्स, ठीक है, आपने देखा रहेगा बैक वाटर्स एरिया होता है नियर माउथ, ठीक है, कयाल्स बोलते हैं उसको, दिस वाटर बॉडीज आर लोकली उन्हें कयाल्स बोलते हैं, ठीक है। फर्दर नॉर्थवर्ड वन कम्स अक्रॉस द रिवर सिस्टम फ्लोइंग इन टू द गल्फ ऑफ कम्बाड, देखो इस तरफ है,
ठीक है, तापी रिवर देखो ये अरेबियन सी में मिलता है, नर्मदा और ये, ठीक है ये दो रिवर है वेस्टवर्ड है। ठीक है अगर क्वेश्चन मिला पेनिनसुला रिवर के बारे में पूछा, नर्मदा एंड तापी है देखो इस तरफ आ रहा अरेबियन सी की तरफ, जो ये दो मेजर रिवर है ठीक है अरेबियन सी में जाके मिलता है, ये वेस्टवर्ड फ्लोइंग है इस तरफ। ओके ठीक है, तापी नर्मदा फ्लो स्लोप थ्रू द रिफ्ट वैली, माही रिवर फ्लो फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वेर एज रिवर साबरमती कलेक्टेड इट, ये गुजरात में साबरमती कलेक्टिंग इट्स हेड वाटर फ्रॉम द साउथर्न स्लोप ऑफ अरवली रेंज फ्लो इन द साउथर्न अरवली रेंज फ्लो इन द सम वॉट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो देखो रिवर साबरमती ये गुजरात में, ठीक है ये गुजरात के अंदर रिवर है, ठीक है तो ये हेड वाटर फ्रॉम द साउथर्न स्लोप अरवली रेंज फ्लो इन द सम वॉट, मतलब साबरमती जो रिवर है ठीक है अरवली से स्टार्ट होता है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है ये कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया है ठीक है, अनदर नॉर्थ रिवर फॉर्मिंग द कैचमेंट ऑफ अरेबियन सी इज रिवर लूनी। ठीक है तो ये जो रिवर है कैचमेंट एरिया है, ठीक है कैचमेंट है ये यहाँ के मिलता है। ओके ठीक है ये रिवर लूनी ये राजस्थान से आता है, रूनी ठीक है यहाँ से ओरिजिनेट होता है देखो सर राजस्थान। ठीक है ये सी में नहीं मिल, ये मेट नहीं करता है सी को, ये बीच में तो खा के एंड हो जा रहा है। ठीक है तो ये राजस्थान के डेजर्ट में एक ही इकलौता रीजन है। इट ओरिजिनेट अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ अरवली रेंज एंड फ्लोज इन द समवॉट नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड फ्लो इनटू द गल्फ ऑफ कच्छ तक। ठीक है किसी को नहीं मीट कर पाता है, बीच में ही एंड हो जाता है देखो इस तरफ। ओके फिर देखेंगे रिवर मीटिंग द बे ऑफ बंगाल, मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द पेनिनसुला इज ड्रेन्ड बाय द रिवर फ्लोइंग टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, द इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ दिस ग्रुप आर महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी, महानदी बेसिन ऑक्यूपाइज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला। ठीक है तो ये महानदी जो है नॉर्दर्न पार्ट में है। ओके महानदी के बाद आता है गोदावरी, गोदावरी के बाद आता है कृष्णा एंड साउथ में है कावेरी, ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न स्लोप वेस्टर्न घाट, स्लोप ईस्टर्न के स्लोप के आके इधर ईस्टर्न वेस्टर्न घाट में आके मिलता है। सो कावेरी ओरिजिनेट होता है ईस्टर्न स्लोप के मतलब ईस्टर्न में और स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट के तरफ। ठीक है रिवर गोदावरी इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इन द टर्म ऑफ कैचमेंट एरिया। ठीक है तो ये कैचमेंट एरिया है। ठीक है द ये भी टू द साउथ ऑफ गोदावरी इज लोकेटेड बेसिन ऑफ रिवर कृष्णा, इट मेजर ट्रिब्यूटरीज आर भीमा एंड, तो रिवर गोदावरी को हम गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा बोलते हैं, दक्षिण गंगा तो गोदावरी को क्या बोलते हैं। ठीक है ये लोकेट होता है कहाँ होता है कृष्णा रिवर के इधर। ठीक है भीमा एंड तुंगपत्रा, ठीक है भीमा शंकर जो है महाराष्ट्र में, ठीक है वहाँ से जहाँ से स्टार्ट होता है तुंगभद्रा, ये भी ट्रिब्यूटरीज है कहाँ के गोदावरी कृष्णा के। ठीक है रिवर कावेरी बेसिन फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इट इज़ द वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुला, इट रिवर दैट इज बीन हार्नेस्ड फॉर इरीगेशन सिंस लॉन्ग टाइम, जो ये जो कावेरी रिवर है वहाँ से वाटर यूज़ करते हैं इरीगेशन के लिए, खेती के लिए यूज़ करते हैं, मतलब हमारे पास वाटर नहीं रहता है जब, ठीक है रेन की वाटर की वजह से रेन वाटर मतलब रेन नहीं आया, ठीक है तो कैनल के थ्रू हम लोग इरीगेशन करते हैं, बहुत सारा कैनल के लिए कैनल इरीगेशन के लिए यूज़ होता है कर्नाटका एंड तमिलनाडु में। ओके नेक्स्ट है द चोला किंग कंस्ट्रक्टेड अ डैम द रिवर कावेरी इन द सेकेंड सेंचुरी ए डी, सेकेंड सेंचुरी में हुआ था नियर तिरुचिपल्ली एंड स्टार्टेड इरीगेशन इन दिस डेल्टाइक रीजन, टिल टुडे द डैम एंड इट्स कैनल आर ऑपरेशनल, ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर हो गया ये अभी भी यहाँ है इस तरफ कावेरी में।
डैम वहाँ है, अभी भी है, ऑपरेशनल ही है। ठीक है, ये आप चैप्टर यहाँ ओवर हो चुका है। ठीक है, आपको समझ में जब भी आएगा आप रीड करोगे, पहले मैप रीडिंग करो, फिर इसका टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, टेक्स्ट बुक रीड करते करते मैप को देखो। ओके, ये चैप्टर यहाँ पार्ट टू का ज्योग्राफी का, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। हमने क्या देखा, अभी ड्रेनेज देखा, फर्स्ट पार्ट में फिजियोग्राफी देखा, सेकेंड पार्ट में ड्रेनेज देखा। तो इसको रीड करो, रीड करने के बाद अच्छे से रीड करो, 2 से 3 बार तक का, 2 से 3 बार तक आपको रीड करना है इसको, ब्राज़ील का और इंडिया का। ओके, एंड ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच, लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे लेट्स लर्न को। थैंक यू।